हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मादा जनन तंत्र, जिसे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। मादा जनन तंत्र स्त्री में पाया जाता है, जिसके अंदर निम्नलिखित भाग होते हैं, बहुत से भाग होते हैं, जैसे अंडाशय, ओवरी, अंडवाहिनियां, ओपेक्स और फॉलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, यूट्रस, योनि, वजाइना, सहायक ग्रंथियां, एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो गाइस, पहले हम बात करेंगे अंडाशय ओवरीज की। इसमें मनुष्य के मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाकार एवं श्वेत अंडाशय उदार गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर पेरिटोनियम की दोहरी परत मेसोवेरियम द्वारा उदार गुहा की भित्ति पर वृक्कों के पीछे श्रेणी में स्थित होती है। अब हम बात करेंगे अंडवाहिनी फॉलोपियन ट्यूब के बारे में। तो गाइस, इसमें प्रत्येक अंडवाहिनी अंडाशय से प्रारंभ होकर कुंडलित रूप उदार गुहा के पीछे की ओर फैली होती है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और अधिकांश भाग में गर्भाशय या फैलोपियन नली कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे गर्भाशय यूट्रस की। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 3 सेंटीमीटर मोटी अकेला अंग होता है, जो कि मेसेंट्री और नानियों द्वारा सधा रहता है। ये शंक्वाकार आकार का होता है। मोटी भित्ति ही इसे गर्भाशय आदि के समय भली भांति फैलाने में मदद करती है। तो गाइस, अब हम बात करने जा रहे हैं योनि यानी वजाइना की। यह मध्य रेखा पर मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य पेशयुक्त भित्ति वाला 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबी एक चौड़ी व थैली जैसी रचना होती है। यह अत्यधिक सिकुड़ने तथा फैलने वाली नली होती है। योनि का गर्भाशय की ओर वाला शंकरा भाग चपीका कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सहायक ग्रंथि की। यह एक जोड़ा बॉर्टुलिन ग्रंथ योनि के पस्कर में तथा इसके पीछे वेस्टिब्यूल व रेक्टम के बीच स्थित एक जोड़ा पेरिनियल ग्रंथि होती है। बॉर्टुलिन ग्रंथियों से निकला स्त्राव योनि को चिकना करता है, जबकि पेरिनियल ग्रंथि के स्त्राव से एक विशेष ग्रंथ आती है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरी ये जानकारी यूजफुल हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।